शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मुहम्मदिन वअला आली सैयदिना मुहम्मदिन वअस्हाबिही वबारिक वसल्लम। सूरह इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास के फजाइल। 300 मरतबा रोज़ाना सूरह इखलास पढ़ने पर 300 रोज़ियों के दरवाज़े खोले जाते हैं, 300 तकलीफ दूर होती है, 300 साल की इबादत का सवाब मिलता है, 50 साल के गुनाह माफ़ किए जाते हैं। रोज़ाना 300 दफ़ा बावजू पढ़ने से 9 फ़वायदे हासिल होते हैं। पहला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 303 दरवाज़े ग़ज़ब के बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कब्र, फितना वगैरह। 300 दरवाज़े रहमत के खोलेगा, 300 दरवाज़े रिज़्क़ के खोलेगा, अल्लाह ताला अपने गैब से रिज़्क़ देगा बग़ैर मेहनत के। अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा, अपने सब्र से सब्र और अपनी समझ से समझ देगा। 36 मरतबा कुरान शरीफ ख़त्म करने का सवाब देगा, 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे, अल्लाह पाक जन्नत में 20 महल देगा जो याकूत, मरजान और जमरूद के बने हुए होंगे। हर महल में 70,000 दरवाज़े होंगे, 2,000 रकात नफील पढ़ने का सवाब मिलेगा। जब भी मरेंगे तो जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शमूलियत करेंगे। नाज़रीन, देखा आपने कितनी सारी नेकियाँ हैं सूरह इखलास से, ज़रूर पढ़ा कीजिए। अव्वल तो नमाज है, फ़र्ज़ नमाज, कुरान की तिलावत और फिर ये वज़ाइफ़ ज़रूर पढ़िए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हम सब को माफ़ फरमाए और हम सब की दुआ कबूल करे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सब के रोज़े कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और हमें आसानी और नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कुल्लमा ज़िक्रहु ज़ाकिरूना, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कुल्लमा ग़फ़ला अन ज़िक्रिल ग़ाफ़िलूना व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतो फ़िल आख़िरति हसनतो वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारकता ज़ल जलाली वल इकराम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم। بسم الله الرحمن الرحيم। اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरुना। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि कुल्लमा ग़फ़ला अन ज़िक्रिल ग़ाफ़िलुना व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर अब तक आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो काइंडली दबा लें। अगली वीडियो तक तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।